बिग बॉस 14 के घर में आखिर क्यों हुआ बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र हुआ है बिग बॉस के घर में। ये पहली बार नहीं है, बहुत मौकों पर हो चुका है। आफ्टर ऑल सिद्धार्थ इतने ज्यादा फेमस और इतने ज्यादा पॉपुलर कंटेस्टेंट हो गए थे, बिग बॉस 13 के विनर भी थे। तो यहाँ पर आखिर क्यों हुआ है बिग बॉस में, बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र, तो वो भी बता देते हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गिंगवानी। यहाँ पर जो है राहुल वैद्य एक स्टेटमेंट बोलते हुए नजर आते हैं। राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला में लड़ाई हो गई है, बहस छिड़ गई है, जो कि कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन है, लड़ते रहते हैं ये दोनों। वहीं जो है राहुल वैद्य कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, अपने वन लाइनर देते हुए नजर आते हैं, जिस पर हमारी नजर टिक गई है वो ये बोलते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 में एक सिद्धार्थ शुक्ला थे और बिग बॉस सीजन 14 में है हल्के शुक्ला, यानी कि अभिनव शुक्ला को हल्के शुक्ला बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी वो उनको हल्का आदमी बोलते हैं, तो यहाँ पर उसको शुक्ला में कन्वर्ट करके उन्होंने अपने वन लाइनर को यहाँ पर अभिनव शुक्ला पर फेंक कर मारा है। इसके बाद वो ये भी बोलते हुए नजर आता है कि भाई बिग बॉस ये क्या कर दिया, पिछली बार सिद्धार्थ शुक्ला को भेजा और इस बार इसको भेज दिया, दिस इज नॉट फेयर बिग बॉस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट मारा है उन्होंने अभिनव शुक्ला के लिए, और अब इस पर अभिनव का क्या रिएक्शन आता है ये रहेगी देखने वाली बात, क्योंकि राहुल वैद्य ने अपने वन लाइनर्स में जो है अभिनव को कहीं ना कहीं चित कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या होगा अभिनव का रिएक्शन इस पर? आइए करते हैं कॉमेंट सेक्शन में इस बारे में बातचीत, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।